पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आप आनंदी है ना? कल आप बाड़ी के बाहर आई थी, पर कुछ लिए बिना ही चली गई, क्यों? पति मालवा के सेना में थे, 22 साल इन्होंने मालवा की सेवा की, प्रजा को दुश्मनों से बचाया। पिछली मुहिम में इनका एक पैर कट गया। सैनिक और बीमार घोड़ा तो सेना के लिए भार होते हैं, बेकार, किसी काम का नहीं। इसीलिए इनको सेवा से हटा दिया गया और परिवार की आमदनी रुक गई। गुनोजी साहिब से विनती की तो उन्होंने कहा, काम करोगे तनख्वाह मिलेगी, काम बंद तो तनख्वाह क्या, सरकार अपनी जेब से देगी। नाम भर की जमा पूंजी पर खींचतान के कुछ दिन निकाल लिए, पर अब तो एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता। कल जब बच्चों को भूख से तड़पता देखा तो रहा नहीं गया, मैं इसीलिए अन्नदान में चली गई। गरीब और लाचार जरूर है, लेकिन हम भिखारी नहीं है। दान में खाना लेकर खाने और बच्चों को खिलाने के लिए मन नहीं माना। इनका चेहरा आंखों के सामने आ गया। अब तक सीना तान कर गर्व से शान से मेरे पति ने राज्य की सेवा की है। दान में मिली रोटी खाने के बदले ये अपनी जान गंवाना पसंद करेंगे, और मेरे पति को लज्जा से सर झुकाता हुआ मैं नहीं देख सकती। इसीलिए अपनी बारी आने से पहले ही मैं वहां से आ गई। लेकिन आपने ये बात मल्हार सरकार को क्यों नहीं बताई? सरकार तक हमारी पहुंच कहाँ है छोटी रानी? लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मल्हार सरकार तो अपनी प्रजा को अपने बच्चों के जैसे मानते हैं, जन साधारण की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो उनके दरबार में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और इतना तो आप जानते हैं ना कि मालवा में किसान और सिपाही को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। हमारे अन्नदाता और रक्षकों के साथ किसी भी तरह का अन्याय मल्हार सरकार बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? आप दोनों कुछ छुपा रहे हैं, क्या आपको किसी का डर है? बताइए। देखिए, आप दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी बात का संकोच करने की। मैं आप दोनों के साथ हूँ और वादा करती हूँ कि आप दोनों को कुछ नहीं होगा। बताइए ना। तुम लोग बाहर जाकर खेलो,
जाओ। जब लड़ाई में इन्होंने अपना एक पाँव गवा दिया तब मैं खुद गई थी गुनोजी साहेब से मिलने। दया करो साहेब, मेरे पति के इलाज और बच्चों का पेट पालने के लिए सरकार से कुछ मदद मिल जाती तो। जब तक रायबा काम पे था महीने के महीने पगार मिलती थी ना। मैं वही तो कह रही हूँ साहेब, जब से वो काम करने लायक नहीं रहे पगार आनी बंद हो गई। लेकिन भूख तो लगती है ना साहेब, और आप तो जानते ही हैं, हमारे पास दो रोटी जुटाने के लिए भी और कोई साधन नहीं है। तो क्या हमने ठेका ले रखा है सारे गरीबों के पेट भरने का? मुफ्त में लोगों को पालते रहे तो सरकारी खजाना देखते देखते खाली हो जाएगा। लेकिन साहेब, मेरे पति ने तो देश के लिए लड़ते हुए अपना पैर गवाया था। हाँ तो एहसान किया है क्या? जब सेना में शामिल हुआ तभी उसे सोच लेना चाहिए था कि हाथ पाँव जा सकते हैं, जान भी जा सकती है। सैनिकों को मिलने वाली पगार और दूसरे फायदे लेते समय तो बड़े खुश थे सब। अब आ गए भीख मांगने। ऐसा मत कहिए सरकार, आप लोग ही तो हमारे पालनहार हैं। मैंने तो यही सुना है कि मालवा में प्रजा का बहुत ध्यान रखा जाता है, उनके साथ हमेशा न्याय होता है। थोड़ी मेहरबानी मेरे बच्चों पर भी कर दीजिए, एक बार दरबार में आने की अनुमति दे दीजिए, फिर मैं। तो अब तुम दरबार आने के सपने देख रही हो? साहिब, एक बार मल्हार सर को मिलने। अपनी औकात में रहो, मल्हार सरकार के पास बहुत से काम है, तुम जैसे लोगों से मिलने का समय नहीं है उनके पास। साहिब आप एक बार मुझसे बहस करोगी? जानती नहीं कौन हूं मैं? मालवा के राजा का दामाद और सेनापति। मैंने कह दिया तो समझ लो राजा ने कह दिया, इसीलिए कभी मल्हार सरकार के पास जाकर दुखड़ा रोने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तुम लोगों का मालवा में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, समझी? सेनापति है गुरुजी साहिब, वो और उनके पिता इतने ऊंचे पद पर है, लगान का मामला भी वही संभालते हैं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।